नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5:25 बड़ी खबरों का। अहमदाबाद में बिना श्रद्धालुओं के निकाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा, मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले कम नहीं होने से स्वास्थ्य मंत्रालय हैरान, जल्द भेज सकता है विशेषज्ञों की टीम। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गति देने में जुटे रेल मंत्री, गुजरात में हो रहा है तेजी से काम, महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण लटका। पंजाब में किसानों ने 15 भाजपा नेताओं को बनाया बंधक, हाईकोर्ट ने देर रात दिया छुड़ाने का आदेश। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा जाति आधारित जनगणना की जरूरत, जरूरतमंदों को मिल पाएगी मदद। एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, कहा आतंकियों ने रची थी 15 अगस्त से पहले लखनऊ सहित अन्य शहरों को दहलाने की साजिश। यूपी में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, कई जिलों में 41 लोगों की मौत व कई लोग झुलसे, सीएम योगी ने जताया दुख। अखिलेश के बयान पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का तीखा पलटवार, का अपने गिरेबा में झांके गुंडों की पार्टी के मुखिया। ट्रेनों में बम धमाके को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, खुफिया एजेंसियों की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में फिर दिखी ढील, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। तालिबान का दावा, 85% अफगानिस्तान पर हुआ उनका कब्जा, WHO की बढ़ी है चिंता। कोरोना वायरस के दो वेरिएंट का एक साथ कर सकते हैं संक्रमित, बेल्जियम में 90 वर्षीय महिला की गई जान। अमेरिका ने दी ड्रैगन को चेतावनी, का अगर फिलीपींस पर हमला हुआ तो अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में आसमान से बरस रही आग, डेथ वैली में तापमान 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कोरोना को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, यूएई ने इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के यात्रियों के प्रवेश पर लगाई रोक। पेनल्टी में इंग्लैंड को हराकर इटली ने छठा मेजर टूर्नामेंट जीता, बनूची फाइनल में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। सपना टूटते इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन की पत्नी के आंसू छलके, इटली की जीत का जश्न लंदन से रोम तक दिखा। भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड पर जीत, दीप्ति के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने पलटी हारी बाजी। सिंधु और मैरी कॉम के पास रिकॉर्ड का मौका, सुशील के दो ओलंपिक मेडल की कर सकती है। ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर विजय कुमार बोले, टोक्यो में 2012 ओलंपिक के मुकाबले ज्यादा मेडल आएंगे, शूटिंग में सबसे ज्यादा 4 मेडल की है उम्मीद। थानाजी के बाद अजय देवगन की एक और दमदार पेशकश, भुज द ब्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर हुआ रिलीज। छह महीने की हुई विरुष्का की बेटी वामिका, पार्क में पिकनिक पर जाकर सेलिब्रेट किया स्पेशल डे, अनुष्का ने शेयर की फोटोज। फिलहाल टूर के सेट पर सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे अक्षय कुमार, नुपुर सेनन बोली, मैं टाइम मिलाने के लिए 2 बजे उठकर तैयारी करती थी। अनुपम खेर ने एक पार्टी में दिलीप कुमार से मुलाकात को किया याद, बोले मैं उनके पीछे जोकर की तरह चल रहा था।
सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी आलिया भट्ट स्टार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। संजय लीला भंसाली बोले किसी भी कीमत में ओटीटी पर रिलीज नहीं करेंगे फिल्म। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।